हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने प्रॉफिट और लॉस के तीन पार्ट अपलोड कर चुका हूं और आज मैं प्रॉफिट और लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं, जो अपना पार्ट 4 है। आज के जो सवाल है वो बहुत ही अच्छे सवाल है। ज़्यादातर जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सवाल आज जो मैं करा रहा हूँ वो देखने को मिलेंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आज के जो सवाल है वो मैं सूत्र से नहीं कराऊँगा, बाय ट्रिक की सहायता से इनको मैं क्या करूँगा, हल करूँगा। तो देखो दोस्तों, आज तीन टाइप के सवाल होंगे। फर्स्ट और सेकंड टाइप मेरा बोर्ड पे लिखे हुए हैं, मैं फिर तीसरे टाइप का सवाल और बोर्ड पे लिख दूंगा। तो आज जो तीन टाइप के सवाल कराऊंगा वो दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और उन सवालों को मैं ट्रिक की सहायता से ही हल कराऊंगा। तो देखो, अपना जो पहला सवाल है वो क्या है, 18 पेनों का क्रय मूल्य। दोस्तों आपको पता है क्रय मूल्य मतलब खरीदने का मूल्य, तो 18 पेनों का क्रय मूल्य मतलब 18 पेनों के खरीदने का मूल्य, 20 पेनों का विक्रय मूल्य यानी 20 पेनों के बेचने के मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी 18 पेन खरीदो या 20 पेन बेचो तो उनके 18 पेन खरीदने का मूल्य 20 पेनों के बेचने के मूल्य के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें लाभ होगा, लाभ कितना परसेंट होगा या हानि कितना परसेंट होगी। तो देखो दोस्तों, इसमें आप पहले सवाल को नोट करो, इसमें धन रुपए कहीं नहीं दे रखा है, ओनली वस्तुओं की संख्या दे रखी है। 18 पेन ये भी वस्तुओं की संख्या है और 20 पेन ये भी वस्तुओं की संख्या है। तो ऐसे में लाभ परसेंट हानि परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो शायद आपको ध्यान होगा मैंने जब पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जब लाभ परसेंट ज्ञात करते हैं तो ऊपर लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 आता है। तो देखो दोस्तों, बटे में क्रय मूल्य आता है, लेकिन जब धन दिया हुआ होता है, जब रुपए दिए हुए होते हैं तो बटे हुए में क्रय मूल्य आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमको धन तो दिया हुआ ही नहीं है, हमको बस वस्तुओं की संख्या ही दे रखी है कि 18 पेनों का क्रय मूल्य, 20 पेनों के विक्रय मूल्य, यानी यहाँ भी 20 पेन वस्तु ही हैं और यहाँ 18 पेन भी वस्तु ही हैं। तो देखो दोस्तों, हम इसको कैसे हल करेंगे, हम ट्रिक का ही उपयोग करेंगे। तो देखो, हमको ज्ञात करना है कि लाभ होगा या हानि होगी, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, सिंपल है। 18 पेनों का क्रय मूल्य यानी सबसे पहले आएगा क्रय मूल्य माइनस 20 पेनों का विक्रय मूल्य, तो बाद में आएगा दोस्तों विक्रय मूल्य, और बटेवे के अंदर भी दोस्तों विक्रय मूल्य ही आएगा, जबकि मैंने अभी जो लाभ परसेंट का सूत्र बताया था उसमें बटेवे में क्रय मूल्य आता था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया था कि अगर प्रश्न में धन दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो बटेवे में क्रय मूल्य आता है, लेकिन यहाँ तो 18 पेन ये भी वस्तु ही दे रखी है, 20 पेन ये भी वस्तु ही दे रखी है, इसलिए जब वस्तुएं दे रखी होती है तो बटे हुए में हमेशा विक्रय मूल्य आता है, और इनटू में क्या आएगा दोस्तों 100, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखो, क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य यानी उस वस्तु जो खरीदी गई है, कितनी वस्तुएँ खरीदी गई है, तो 18 वस्तुएँ खरीदी गई है तो अपना क्रय मूल्य हो गया 18। विक्रय मूल्य मतलब कितनी वस्तुएं बेची गई है, तो कितनी बेची दोस्तों 20, बटे हुए में विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 20, और इनटू में कितना आएगा 100, यानी 18 में से 20 घटाएंगे। देखो दोस्तों, 20 में से 18 नहीं घटाना है, अगर 20 में से 18 घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही लिखा है, 18 में से 20 घटाना है यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है, यानी कि माइनस का 2 आएगा, तो माइनस के 2
बटा 20 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो पंजो 10, कितना आ गया दोस्तों माइनस का 10%। और ये माइनस का चिन्ह क्यों आया दोस्तों, ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि आपको क्या हुआ दोस्तों, हानि हुई। तो कितने परसेंट की हानि होगी, 10% की हानि होगी। तो एक बार और देखो दोस्तों, ये ट्रिक है, ये फॉर्मूला है कर्म मूल्य, क्योंकि कर्म मूल्य पहले दे रखा है 18 पेन, फिर विक्रय मूल्य आता है, विक्रय मूल्य कितना है 20 पेन, बटे में विक्रय मूल्य ही आएगा, कर्म मूल्य नहीं आएगा। अगर धन देते हैं तो बटे में कर्म मूल्य आता है, धन नहीं दे रखा, यहाँ केवल वस्तुएं दे रखी हैं, इसलिए बटे में विक्रय मूल्य ही आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 20 पेनों का विक्रय मूल्य 20, और इंटू में कितना आएगा 100, 18 में से 20 घटाया माइनस 2, और 20 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 5 दूनी 10, यानी माइनस का 10, और माइनस का चिन्ह ये बताता है दोस्तों कि आपको क्या हुई है, हानि हुई है। तो देखो दोस्तों, हमने एक सवाल किया, ऐसा एक सवाल और मैं आपको करके बताता हूँ, केवल संख्या चेंज कर देता हूँ मैं, तो सेकंड देखना, इसी ट्रिक की सहायता से करेंगे दोस्तों। तो सवाल है 25 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्रय मूल्य आएगा, बाद में विक्रय मूल्य आएगा, बटेवे में विक्रय मूल्य ही आएगा, और इंटू में 100 आएगा। तो कर्म मूल्य कितना दे रखा है, तो 25 पेना 25 पेन खरीदे गए, यानी कि कर्म मूल्य हो गया 25, और 20 पेनों को बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य हो गया 20, बटे में 20 इंटू में 100, तो कितना हो गया दोस्तों 5 बटा 20 इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, दो पंजो 10, कितना आ गया दोस्तों 25%। लेकिन इस बार देखो दोस्तों प्लस का आया है, 25 में से 20 घट चुका है, प्लस का आया है, इसका मतलब आपको क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ है। और लाभ कितने परसेंट का हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा कर्म मूल्य पहले ही आएगा, आप ये मत देखना कि सवाल के अंदर कर्म मूल्य पहले है तो कर्म मूल्य पहले लिखा गया, विक्रय मूल्य बाद है तो विक्रय मूल्य बाद में दिया गया। कभी कभी प्रश्न घुमा फिरा के भी आ जाता है, हो सकता है कि 20 पेनों का विक्रय मूल्य पहले लिख देवे और 25 पेनों का कर्म मूल्य बाद में लिख देवे, लेकिन तो भी आपको तरीका यही लेना है, ऐसे नहीं करना है कि विक्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है तो विक्रय मूल्य पहले लिख दोगे और कर्म मूल्य बाद में लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखना फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे विक्रय मूल्य पहले लिखा हुआ हो चाहे बाद में लिखा हुआ हो, कर्म मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बटेवे में विक्रय मूल्य ही आएगा, इंटू में 100, और फिर जब ये मान रख के हल करेंगे तो कितना परसेंट का लाभ हो जाएगा दोस्तों, 25% का लाभ हो जाएगा। तो देखो मैंने ये फर्स्ट टाइप का सवाल करा दिया है, आपने देखा होगा ये ज़्यादातर एग्जामों में, ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जाम में ये नज़र आता है। तो देखो सेकंड अपना जो थर्ड है, दो करा चुका हूँ, थर्ड प्रश्न देखो दोस्तों, ये भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न लगेगा, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है, और ये जो प्रश्न है वो भी हम बिना सूत्र के ट्रिक की सहायता से हल करके बताऊंगा दोस्तों। तो देखो अपना जो तीसरा सवाल है वो क्या है, 4 रुपये के 5 केले खरीदता है, यानी 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, तथा 5 रुपये में 4 केले बेच देता है। 4 रुपये में तो 5 केले खरीदता है, तो देखो दोस्तों 4 रुपये ये तो आपका मूल्य है, ये तो आपका मूल्य है, कितना है 4 रुपये, 4, और केले क्या है यहाँ वस्तु, कितनी वस्तु है दोस्तों 5, 5 केले, यानी 4 रुपये ये तो मूल्य हो गया, और 5 केले खरीदता है, यानी वस्तु कितनी हो गई दोस्तों 5 केले। फिर आगे और पढ़ते हैं, 5 रुपये में फिर से मूल्य दे रखा है दोस्तों, मूल्य कितना दे रखा है 5 रुपये,
और चार केले इस बार वस्तुएं कितनी दे रखी है दोस्तों, वस्तु दे रखी है चार केले, यानी चार रुपए में पांच केले तो खरीदता है और पांच रुपए में चार केले बेचता है। यानी अब आपको पता लगाना है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा और कितना होगा, ये हमको पता लगाना है। तो दोस्तों पहले हमने ये लिख दिया, लेकिन हम इसको ट्रिक की सहायता से ही हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको मध्य पदों का गुणा करना है, यानी बीच बीच वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो पाँच को पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। अभी मैंने मध्य वालों का गुणा किया, अब बाह्य पदों का गुणा करना है, यानी बाहर वाले पदों का गुणा करना है। यानी पहले आएगा मध्य पदों का गुणा, ठीक है दोस्तों मैं अभी सूत्र लिखा दूंगा आपको, मध्य पदों का गुणा यानी पाँच और पाँच को गुणा करेंगे 25, माइनस बाह्य पदों का गुणा यानी चार को चार से गुणा करेंगे दोस्तों, की चार इंटू चार और बटे हुए में बाहर वाला ही नीचे आएगा, यानी चार इंटू चार, यानी पहले मध्य पदों का गुणा करेंगे 5 × 5, फिर बाह्य पदों का गुणा करेंगे 4 × 4, और जो बाह्य पदों का गुणा करेंगे वो ही बटे हुए में आएगा, और इंटू में कितना आएगा दोस्तों 100। तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 25, ये हो गया 16 बटे, तो कितना हो गया 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बटा 16 इंटू में 100, चार को चार से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब देखो दोस्तों ये कट रहे हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 50 बार कट गया, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा दोस्तों 25 बार। यानी 25 को हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 9 से गुणा करेंगे, तो 25 × 9 = 225, और 225 में 4 क्या क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, पॉइंट लगा के 0, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, तो कितना परसेंट हो गया दोस्तों 56.25%। यानी हमें इतना परसेंट का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो जाएगा। तो देखो पहले मध्य पदों का गुणा करना है तो 5 × 5 = 25, फिर बाह्य पदों का गुणा करना है तो 16, 4 × 4 = 16, 4 × 4, फिर बाह्य पदों को ही नीचे लिखना है, 4 × 4 × 100, ये तो हो गया 25, ये 16 इंटू में 100, 25 में से 16 घटाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे 9, 9 × 16 × 100, मैंने इसको काटा, 2 का भाग दिया इसमें 8 बार, इसमें 50 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, इसमें 25 बार, और 25 को 9 से गुणा किया दोस्तों कितना गया 225, और 225 में 4 का भाग दे दिया तो कितना आ गया दोस्तों 56.25% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। अब देखो अगला सवाल और करेंगे दोस्तों, ऐसा संख्या चेंज कर रहा हूं मैं, देखो दोस्तों संख्या चेंज कर रहा हूं मैं, क्या है 10 रुपए में 11 केले खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 केले बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, मूल्य दे रखा है 10 रुपए और वस्तुएं दे रखी है 11, फिर देखो दोस्तों 11 रुपए मूल्य दे रखा है 11 रुपए और वस्तुएं कितनी दे रखी है दोस्तों 10। क्या बताया था मैंने, पहले मध्य का गुणा करेंगे, यानी हमको लाभ परसेंट या हानि परसेंट याद करना है, तो पहले मध्य का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 121, फिर बाहर वाले का गुणा करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा दोस्तों 100, और बटे में बाहर वाले ही आएगा 100, और इंटू में 100 क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, तो कितना आ गया दोस्तों ये तो 21 बटे हुए में 100 इंटू में 100, 100 से 100 कटा, कितना आ गया दोस्तों
21%। तो देखो दोस्तों, हमने सेकंड टाइप का सवाल भी कर लिया। 10 रुपये में 11 केले खरीदता है, 11 रुपये में 10 केले बेचता है, तो बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखो दोस्तों, उसको लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ? 21% का लाभ हुआ। अब देखो दोस्त, मैंने ये दो सवाल लिख दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। मैं अभी तक दो टाइप के सवाल करा चुका हूँ, ये थर्ड टाइप का सवाल करा रहा हूँ। ये भी ज़्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इस सवाल को, इन सवालों को भी अपन ट्रिक की सहायता से ही हल करके करेंगे। तो देखो दोस्तों, क्या है, एक दुकानदार को 50 टोपियाँ बेचने पर, कितनी टोपियाँ बेच रहा है, 50 टोपियाँ बेचने पर 10 टोपियों के विक्रमूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। एक बार फिर से देखो दोस्तों, 50 टोपियाँ बेच रहा है और 10 टोपियों के विक्रमूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताओ उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। हमें लाभ पता लगाना है कि उसको कितने परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखो दोस्तों, कैसे करेंगे, हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो देखो, 10 टोपियाँ यानी जो बाद वाला हिस्सा है दोस्तों, उसको ऊपर लिखना है आपको 10, और बटेवे के अंदर क्या आएगा दोस्तों, 50 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 50 में से ये 10 घटा के लिखना है। तो एक बार देखो दोस्तों कि अगर लाभ हो रहा है तो घटाना है, और अगर हानि हो रही है तो दोनों को जोड़ना है। लाभ हो रहा है तो दोनों को घटाना है, और हानि हो रही है तो दोनों को जोड़ना है। अब देखो, यहाँ पे लाभ हो रहा है, इसलिए मैंने क्या करा, 50 में से 10 घटाया। और अगर हानि नहीं होती, लाभ होता, अगर हानि होती तो मैं दोनों को क्या करता दोस्तों, जोड़ता, लेकिन यह लाभ हो रहा है इसलिए मैंने दोनों को क्या करा, घटाया। और इनटू के अंदर चूँकि अपन को परसेंटेज ज्ञात करना है, इसलिए गुणा में 100 तो आएगा ही आएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 10/40 इंटू 100, 10 से 10 कटा, 100 में 4 का भाग दे देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो कितना आ गया दोस्तों, 25%। यानी हमको क्या हो गया दोस्तों, 25% का लाभ हो गया। एक और देखो दोस्तों, ऐसे ही सवाल है, इसमें क्या है, 18 साइकिलें बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रमूल्य के बराबर क्या होता है, उसको हानि होती है, तो उसका हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों, हमको इसमें हानि ज्ञात करनी है, हानि परसेंट, तो ये 2 साइकिल के विक्रमूल्य के बराबर, 2 साइकिल के विक्रमूल्य के बराबर, यहाँ था 10 टोपियों के विक्रमूल्य के बराबर। तो आपको देखा होगा मैंने 10 ऊपर लिखा था, यहाँ अपन 2 ऊपर लिखेंगे, और 18 साइकिलें, लेकिन इस बार हानि हो रही है, और मैंने क्या बताया दोस्तों, हानि होने पर जोड़ना है, यानी 18 में 2 जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों को नीचे बटे में जोड़ के लिखेंगे, और इंटू में 100, तो ऊपर 2 बटे में 20 इंटू में 100, तो 20 × 5 = 100, कितना आ गया दोस्तों, 10%। यानी उसको कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की हानि हुई। तो देखो दोस्तों, आज मैंने तीन प्रकार के, तीन टाइप के सवाल बताए हैं। अगला वीडियो में और अपलोड करूंगा लाभ हानि परसेंट का पार्ट 5। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। थैंक यू।